आज जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दियत अर्श दमन फंड रूल्स 2007। जिस लॉ की जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा हम एलाबरेट करना चाहेंगे कि ये 2002 ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे केसेस सामने आए कोर्ट्स के जिनके अंदर उन्होंने देखा कि जो अक्यूज थे या जो कन्विक्टेड उसमें ऑफेंडर्स थे, दे वर लैंग्विशिंग इन द जेल्स। वो जेल्स में सिर्फ इस वजह से कैद थे कि वो अपनी दियत या जो अर्श है या जो दमन है या फाइन है वो पे नहीं कर सकते। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 दिसंबर 2006 को कुछ आइडेंटिकल केसेस का डिसीजन दिया, जिसके तहत 338G PPC के रूल के तहत ये अर्श दमन और दियत फंड रूल्स बनाए गए। इसमें हम अगर बात करें कि इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि जी द फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश दियत अर्श दमन फंड्स रूल्स टू इन्वोक सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 338G PPC टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कॉन्विक्स हु आर कन्फाइंड इन जेल्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दियत अर्श एंड दमन अमाउंट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और पीपीसी में अमेंडमेंट लाई गई, 338G जो है उसको अमेंड किया गया। उसके तहत इन रूल्स के तहत कुछ नोटिफिकेशंस हुई, जिसकी लास्ट नोटिफिकेशन अमेंडमेंट की थी वो 2010 में हुई। इसकी जो एक कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है जो इसको आपको सही से समझाएगी कि ये क्यों इसकी प्रोमलगेशन हुई, वो थी आबिद हुसैन वर्सेस चेयरमैन बैतुल माल 2002। इसमें कहा यह गया कि अ कॉन्विक्ट विल नॉट बी केप्ट टू रॉट लाइक अ वेजिटेबल इन अ जेल ओनली ड्यू टू हिज फाइनेंशियल कंडीशन। ही कैन सीक असिस्टेंस फ्रॉम ज़कात एंड उशर फंड्स टू रीपे दियत अर्श एंड दमन एज पनिशमेंट। तो इसकी जो लॉजिक है वो यही है कि जो आपके कॉन्विक्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते पेमेंट ऑफ दियत अर्श या दमन, उनको जेल से छुड़वाया जाए। और इसके लिए ये जो फंड बनाया गया, इसकी एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें हमारे जो मेम्बरान हैं उनका हम आगे जाके जिक्र करेंगे। और ये फंड जो है इसमें से उनको सॉफ्ट लोन दिया जाता है जिसकी कुछ शरायत हैं कि वो किस तरह से कब वापस किया जा सकता है, और वापसी के अगर कोई नहीं पॉसिबल तो उसके मतबादल क्या जराए हैं जिससे उसको सेटल किया जा सकता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसकी नज़र डाल लेते हैं टेक्स्ट पे। SRO 111L 2007 डेटेड 13/11/2007 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 338G ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। अब अगर हम यहाँ पे 338G PPC का थोड़ा सा जायजा लें तो उसके अंदर जो इसमें बताए गए क्लॉजेस उसमें यही है कि रूल्स जो हैं द गवर्नमेंट विल मेक रूल्स रिगार्डिंग अर्श दियत दमन फंड विद कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अब इसके शॉर्ट टाइटल की तरफ आते हैं, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द दियत अर्श दमन फंड रूल्स 2007। इसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इस फंड की, रूल 4 के अंडर जो तश्कील दी गई है उसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मीन्स अ पर्सन हु इज कन्फाइंड इन जेल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ दियत अर्श और दमन। तो इसमें हमें बता दिया गया कि कॉन्विक्ट कौन है इस लॉ की नज़र में, कि वो जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब कैद है कि वो दियत अर्श या दमन नहीं पे कर सकता। फंड मीन्स द दियत अर्श दमन फंड इस्टेब्लिश अंडर रूल 3। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सॉफ्ट लोन की, यानी जो फंड से आपको असिस्टेंस दी जाएगी वो सॉफ्ट लोन की सूरत में दी जाएगी। सॉफ्ट लोन मीन्स अ लोन विद अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज मे बी डिटर्मेंड बाय द स्टेट बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इंक्लूड्स अदर कंसेशन सच एज लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड। यानी सॉफ्ट लोन की दो शरायत है, एक ये कि ये बिलो मार्केट दिया जाएगा, बिलो मार्केट रेट होगा इसका, और दूसरा ये कि इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो एक्सटेंडेड होगा। सेक्शन 3 बात करता है फंड की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कि ये फंड जो है इसकी सोर्सेज क्या होंगी। इसमें जो सोर्सेज बताई गई उसके अंदर एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है,
फिर एड असिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लोकल नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज है. जो इसकी तीसरी सोर्स है वो है डोनेशंस मेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, यानी जो लोग ज़कात के तहत कुछ इसमें डोनेशन देना चाहते हैं उसको भी इसकी सोर्स कंसिडर किया जाएगा. उसके बाद बताया गया है कि जी ये फंड जो है इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी, ये किस फॉर्म में रखा जाएगा. तो फंड इन फुल और पार्ट देयर ऑफ एक्सेप्ट इनिशियल फंड मे बी इन्वेस्टेड इन एनी गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स एंड विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ द फंड. ठीक है जी. फिर उसके बाद ये है कि फंड शैल बी ऑपरेटेड थ्रू एन अकाउंट टू बी ओपन्ड इन एनी शेड्यूल्ड बैंक एज मे बी ऑथराइज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी. और जो ये अमाउंट है ये नॉन लैप्सिबल होगा और एग्जेम्प्टेड होगा टैक्स से. अब हम आ जाते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जो कि इसको इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, इसको कंट्रोल करेगी. वो क्या कमेटी है, उसके कौन मेंबर्स हैं, वो सेक्शन 4 में हमने देखा. उसमें बताया गया कि जी ये चेयरमैन इसके होंगे मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. बाकी इसके जो मेंबर्स हैं वो होंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, प्रोविंशियल होम सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स विंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये इसके सेक्रेटरी होंगे. तो इसमें प्रोविंशियल होम सेक्रेटरीज जो हैं वो क्योंकि सारे सूबों के होंगे तो इसके मेंबर हमारे पास 7 के करीब इसमें शामिल होंगे. उसके बाद बताया गया कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी कैसे और इसका क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का. जो चेयरमैन होगा वो प्रिजाइड करेगा इस कमेटी पे और उसकी एब्सेंस में जो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ह्यूमन राइट्स का वो प्रिजाइड करेगा. सेक्शन 5 बात करता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में. द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज इट डीम्स फिट डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर टू वन और मोर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल और डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, यानी इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर भी हो सकती है. सेक्शन 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर बात की गई है कंडीशंस फॉर प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन. ये जो कंडीशंस हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले बताया गया है कि कॉन्विक्ट जो है वो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी जो उस वक्त कन्विक्शन के बाद जो उसका पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का उसको जो ख़त्म हो जाना चाहिए था वो सिर्फ इस वजह से ख़त्म नहीं हुआ, उसकी रिलीज इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उसने दियत दमन और अर्श जो है वो नहीं पे किया या नहीं पे कर सकता. दूसरी जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि उसको सब्सटैंटिव पनिशमेंट दी ही नहीं गई थी, उसको सिर्फ दियत अर्श या दमन देना था लेकिन वो नहीं दे सका इसलिए वो इम्प्रिजेंट है. और जो सॉफ्ट लोन है वो किन कंडीशंस पे दिया गया है या दिया जाएगा वो भी सेक्शन 6 ही बात करता है कि एक श्योरिटी बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा कॉन्विक्ट को जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बताएगी और उसको उसको देखेगी रिव्यू करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम. और फाइनेंशियल पोजीशन जो है कॉन्विक्ट की उसको वो डिसाइड करेगा कि इसका जो है श्योरिटी बॉन्ड किस किस्म का होगा. उसके बाद ये है कि अगर वो नहीं पे कर सकता तो उसको कोई ना कोई जॉब दे दी जाएगी ताकि वो उस जॉब को उस एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट करके अपने सॉफ्ट लोन की पेमेंट कर दे. अब सेक्शन 7 बात करता है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स. द सॉफ्ट लोन टू अ कॉन्विक्ट शैल बी प्रोवाइडेड एज अंडर होल अमाउंट ऑफ दियत अर्श और दमन वेयर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 200,000 रुपीज, यानी अगर 2,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो पूरा जो अमाउंट है दर्श जो अर्श दियत और दमन का वो दे दिया जाएगा. उसके बाद अगर 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑफ दियत अर्श दमन जो है वो दिया जाएगा जब एक्सीड करेगा 250,000 रुपीज, और अगर इससे भी ज्यादा होगा तो 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ दियत अर्श और दमन जो है वो दे दिया जाएगा, और अगर 5,00,000 से ऊपर है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है डिफरेंट जो बैंक्स हैं उनके लोन्स के तहत भी दी जाएगी. अब सेक्शन 8 बात करता है ग्रांट आउट ऑफ द फंड. द ग्रांट आउट ऑफ द फंड मे बी प्रोवाइडेड टू अ कॉन्विक्ट हु इज इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इलनेस और अदरवाइज, यानी जो अगर कोई डिसेबिलिटी में होगा तो उसको भी ग्रांट इस फंड में से दी जा सकती है. जो इसका सेक्शन 9 है वो बात करता है फेलियर टू रिटर्न सॉफ्ट लोन. अगर वो कॉन्विक जो है वो सॉफ्ट लोन वापस नहीं कर सकता विद इन दैट पीरियड या कर ही नहीं सकता तो उस सूरत में क्या होगा. उसमें ये होगा कि जी कॉन्विक अगर नहीं पे करेगा तो उसको
जॉब है वो उसको अवेलेबल की जाएगी कि वो जॉब करके वो पेमेंट कर दे, और अगर नहीं कर सकता तो फिर उसको लैंड रेवेन्यू जो है उसके एरियर्स के तहत उस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। अगर ये बात है कि हम आगे बात करें तो उसमें सॉफ्ट लोन जो है उसकी जो तरीकाकार है वो इसमें जो बताया गया है, अगर वो नहीं पे कर सकता तो उसको फिर से उसकी जो रिलीज़ है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। सब कमिटीज़ जो हैं जिसको फैसिलिटेट करेंगी कॉन्विक्स को वो सेक्शन 10 के तहत बताई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी जो है वो सब कमिटीज़ बनाएगी ताकि ये सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सके। सेक्शन 11 बात करता है रिलीज ऑफ कॉन्विक्ट ऑन पेरोल। वेयर अ कॉन्विक्ट हैज सर्व्ड आउट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ दियत अर्श और दमन, ही मे बी रिलीज्ड ऑन पेरोल ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी डिटरमिंड बाय द कोर्ट फॉर पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। यानी अगर उसने कुछ अमाउंट पे कर दिया है और कुछ अमाउंट रह गया और उसकी सब्सटेंटिव पार्ट जो पनिशमेंट है वो भी उसने गुजार दिया है तो उसको पेरोल पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसका सेक्शन 12 जो है वो बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की, जो इसका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इसका ऑडिट करेंगे और इस अमाउंट और ये जो हमारा फंड है इसको उसी तरह से मॉनिटर किया जाएगा जैसे बाकी पब्लिक फंड्स को मॉनिटर किया जाता है। तो थैंक यू सो मच।